नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं ऐसे में। आज हमारे साथ है सुरेश चंद्रा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या व्रत से और पूजा से, पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है? निशा जी, मुझे तो ऐसा संभव नज़र नहीं आता कि इस तरह के व्रत करने से और पूजा अर्चना करने से कहीं कोई लाभ होता हो, कोई मनोकामना पूरी होती हो। उदाहरण के लिए निशा जी, मैं एक पेश करता हूँ नजीर कि जब मैं कहीं मंदिर जाता हूँ, मूर्ति पूजा के ही लिए मैं जाता हूँ, और वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो जैसे मैं जाता हूँ, पूरा आस्थावान हो करके, पूरे समर्पण भाव से जब मैं गया हूँ मन बना करके घर से, और वहाँ जा करके जैसी मूर्ति मुझे नज़र आई तो मैंने मत्था टेका, हाथ जोड़े, तो ऐसे मौके पर निशा जी, अगर आप भी मंदिर गई हैं तो क्या ऐसी कोई आवाज़ आती है कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा है, क्या ऐसी कोई आवाज़ आती है? नहीं आती है। और ये आपसे ही नहीं पूछ रहा, जब मैं समाज में चर्चा करता हूँ अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ, तो तब मैं ये सवाल पूछता हूँ, और सभी लोग, चाहे वो बहन बेटियाँ हैं चाहे भाई बंद हैं, वो लोग सिर हिला करके और मुँह से भी कहते हैं कि सब ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी हमें जवाब नहीं मिलता है। और मान लीजिएगा, चलिएगा नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमने पूजा अर्चना की, उसके बाद जो भी हमने अपनी नेक कमाई में से कुछ बचत की, अपने बच्चों का भी पेट काटा, अपने भी जिंदगी के शौक पूरे नहीं किए, और निशा जी, हमने जो वो कुछ बचत की थी पूरे आस्थावान होकर के, और वही इनक व्रत और पूजा से हमारा कुछ भला हो सकता है, वो नेक कमाई भी, जो बचत की कमाई थी, वो भी हमने पूरे समर्पण भाव से श्रद्धावान होकर के, और हमने वो मूर्ति के चरणों में समर्पित कर दी, और फिर घर चलते वक्त फिर हमने मत्था टेका, चरण स्पर्श किए मूर्ति के, क्या उसके बाद निशा जी एक आवाज़ आती है? नहीं आती। कि दूधो नहाओ पूतो फलो, क्या ऐसी कोई आवाज़ आती है? नहीं आती। तो जब निशा जी उस मूर्ति पूजा के लिए जाने पर, मंदिर में जाने पर, भगवानों की मूर्तियों के आगे मत्था टेकने से, अपने बच्चों के लिए कहा, हमने जो बचत की भविष्य के लिए, वो भी हमने वहाँ अर्पित कर दी, और उसके बाद भी जब हम पहुँचे, किसी ने राजी खुशी नहीं पूछी, और जब विदा होने लगे, वहाँ से मंदिर से चलने लगे मूर्ति के चरण स्पर्श करके, तब दो शब्द दुआ के न दे पाए, वो मेरे भगवान, वो मेरी मूर्तियाँ, वो मेरे मंदिर, तो फिर बताइएगा वो मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है? कि जब जाने पर उनके पास गए तब वो हमारी राजी खुशी न पूछ पाए, जब वहाँ से चले हम विदा हो करके, तब वो दो शब्द दुआ के न दे पाए, तो फिर ऐसी जगह जाने से और ऐसी मूर्ति पूजा से, पत्थरों की पूजा से, कोई हमारी मनोकामना पूरी, और व्रत भूखे मरने से, अरे भाई बाबा, अगर भगवान मेरे घर में पैदा हुआ है, कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, कोई और पैदा हुआ, तो पैदा होने पर जब मेरे घर में साधारण बच्चा पैदा होता है तब मैं मिठाई बाँटता हूँ, तो उस दिन तो मिठाई बांटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहते, खुद तो मिठाई खाते हैं जो मंदिर के पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, मेरे चढ़ाए वो फल फ्रूट खाते हैं, लेकिन मेरे से भूखा मरने की बात कहते हैं, तो भूखे मरने से भी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।